फादर्स डे 18 जून रविवार को मनाया जा रहा है, उसे पितृ दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फादर्स डे हर वर्ष जून महीने के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। यह दिन पिता और उनके प्यार और त्याग के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए समर्पित है। पिता परिवार के वह सदस्य होते हैं जिनके बच्चे का पालन पोषण में योगदान की अक्सर अनदेखी की जाती है। बिना किसी शिकायत के पिता हर वह काम करते हैं जो उनके बच्चों और उनके परिवार के लिए जरूरी होता है। एक पिता अपने परिवार के स्वस्थ और खुश रहने के लिए दिन रात काम करते हैं। इन अनजाने प्रयासों को अक्सर हल्के में लिया जाता है और इनकी जिम्मेदारियों में बदल दिया जाता है। इस फादर्स डे को भी लोग अपने पिता के प्रति समर्पण और सम्मान से मना रहे हैं। नगर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मधुलिका अग्रवाल ने भी इस फादर्स डे पर अपने पिताजी को याद करते हुए बताया कि किस प्रकार उन्होंने उनके पिता से राजनीति के गुण सीखे और संस्कार पाए। साथ ही वह अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो गई। सचिन दीक्षित की रिपोर्ट। पिता दिवस की सभी पिताओं को मेरी तरफ से और हम सब बच्चों की तरफ से सादर वंदन अभिनंदन करती हूँ। आज फादर्स डे है, पूरा देश विश्व फादर्स डे मना रहा है, इस दिन को आप किस रूप में देखती हैं? सर्वप्रथम मैं सभी पिताओं को सादर वंदन अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आज हम इस दुनिया में आए हुए हैं। और मैं अपने पिताजी के लिए एक बात कहना चाहूँगी कि उनका आशीर्वाद सदा रहा है मेरे ऊपर। मेरे पिताजी भी राजनीति में थे और उन्हीं से के आशीर्वाद से मैंने भी गंजबास सौदा का नगर पालिका अध्यक्ष का भार संभाला। और मैं अपने युवा बहन भाइयों से कहना चाहूँगी कि आप भी अपने माता पिता के पदचिन्हों पर चलकर आगे बढ़े, घर परिवार के साथ साथ समाज और देश का नाम भी रोशन करें। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे लालन पालन में हमारे पिता का जो कहा जाता है कि पर्दे के पीछे वाला रोल होता है, हमारी माँ अभी हमारा पेट भरती है कि हमारा बेटा पेट भर के खा लें, लेकिन हमारे पिता होते हैं वो चाहते कि हमारे बच्चे इस काबिल बने कि कल वो अपना और अपने परिवार का भी पेट भर चुके। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम सबको अपने पिता का भी अपने जीवन में महत्व रखना चाहिए, क्योंकि हमारे पिता अपने शौक अपनी इच्छाओं को छोड़कर हम बच्चों की इच्छाएँ पूरी करते हैं। और मैं अपने भी बच्चों को, जो मेरे बच्चे जैसे हैं, उन सबको भी यही कहना चाहूँगी कि बेटा पिता अमीर हो या गरीब हो, वो अपना पेट काट के अपनी ज़रूरतों को कम करके इच्छाओं को मार के हमारा पूरा करते हैं। तो आप भी जब इस लायक हो जाएं कि अपने माता पिता की सेवा कर सकें, तो आप भी अपने पिता को वही सारी सुविधाएँ जो दें, जो बचपन में उन्होंने हमें दी थी, उन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जब उन्हें ज़रूरत पड़े तो हम भी उनका हाथ थामें और उन्हें वही मान सम्मान दें। एक बार पुनः सभी को, पिताओं को मेरी तरफ से सादर चरण वंदन अभिनंदन। जैसा कि मेरा जो मायके का परिवार रहा है वो राजनीति से भरीपूर्ण रहा है, और उसमें एक और बात बताना चाहूँगी कि हम 4-5 लोग बहुत ज़्यादा राजनीति में इन्वॉल्व थे, और मैं और मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी, बड़े भैया भारतीय जनता पार्टी, जंग संघ के टाइम से काम करते थे, और ये तो खून में ही रहा है हमारे कि हम राजनीति करें। जब मैं 11th 12th में थी तो मैंने पिताजी के चुनाव के समय पोलिंग बूथ में बैठ के, अंदर बैठ के बाकायदा वोटिंग करवाई थी। और एक बार मेरे लिए होशंगाबाद से भी आया था कि मैं मतगणना के लिए होशंगाबाद बैठूँ, लेकिन उस समय हम बेटियों के लिए इतनी सुविधाएँ नहीं थी कि हम अपने नगर को छोड़ के बाहर जाएँ। तो ये मुझे विरासत में मिली है, और उनका आशीर्वाद और सभी माता पिताओं का आशीर्वाद अपने बच्चों पर सदा ऐसा ही बना रहे। आज जैसे फादर्स डे है, जी, छोटे से शब्दों में जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं के लिए? जी, मैं इस पिता दिवस अवसर पर अपने युवा साथी भाइयों और बहनों से कहना चाहूँगी कि हम अपने पिता की अच्छाइयों को, पिता की जो भी आचरण है उनको ग्रहण करें और आगे बढ़ें, और अपने द्वारा अपने माता पिता का, परिवार का नाम रोशन करें। और मैं कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बने, हम सबसे पहले एक अच्छे बेटे बने जो अपने माता पिता की सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।